वलूशा डिसूजा ने किया शॉकिंग खुलासा। इंशाल्लाह का हिस्सा थी वलूशा, तो क्या वाकई में यही है वजह फिल्म को शेल्फ करने की? आइए जानते हैं। संजय लीला भंसाली ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया कि वो फिल्म इंशाल्लाह फिलहाल नहीं बनाएंगे, और इस बात से कई तरह के स्पेकुलेशन सामने आने लगी। कुछ रिपोर्ट्स ने ये भी कहा कि सलमान फिल्म में वलूशा डिसूजा और डेजी शाह को कास्ट करना चाहते थे, लेकिन वही मिस्टर भंसाली इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं थे, और इसी वजह से इस फिल्म को शेल्फ किया गया। और अब एक शॉकिंग खबर सामने आई है। वलूशा ने कंफर्म किया कि वो फिल्म इंशाल्लाह का हिस्सा थी। जी हाँ, संजय लीला भंसाली की फिल्म में ये नजर आ सकती थी, लेकिन साथ ही वलूशा ने ये भी कहा कि सलमान ने कभी भी संजय पर दबाव नहीं डाला उन्हें कास्ट करने के लिए। वलूशा का कहना था, दिस इज अ कम्प्लीटली फेक स्टोरी, देयर इज नो ट्रूथ टू इट, सलमान डिडंट आस्क एनी सच एडिशंस टू द कास्ट। वलूशा ने सलमान को लेकर चल रही स्पेकुलेशंस को हमेशा के लिए खत्म करने का फैसला लिया, और ईटी टाइम्स को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा, Yes, in fact, I had even given my dates for the film and my shoot was to begin in the second week of September. It is flattering and embarrassing at the same time to suggest that Inshallah didn't happen because of me. I met Sanjay through Ashley Rebello, who is also Salman's stylist and designer. Also, Sanjay and I connected because we have a common connect, Goa. Sanjay shot Khamoshi in Goa and I am from the same place, so we exchanged notes about it and bonded really well. He complimented my complexion and said how I was right for the part. My character was that of a Muslim woman. So he even told me that I should wear an abaya and get into the skin of the character. Inshallah was a dream project for me, simply because who wouldn't want to work with Sanjay Leela Bhansali? Well, आपको बता दे कि आलिया भट्ट काफी ज्यादा एक्साइटेड थी इस फिल्म में काम करने के लिए। आप भी देखिए उनका क्या कहना था इस फिल्म के बारे में। I think the announcement has been out today. और जैसे मैंने अपनी ट्वीट में भी कहा था कि इट्स अ बिग ड्रीम कम ट्रू एंड टू वर्क विद संजय सर एंड टू वर्क विद सलमान, दे आर लाइक अ मैजिकल कॉम्बिनेशन टुगेदर एंड आई कांट वेट टू गेट ऑन टू द जर्नी, इट्स गोना बी क्वाइट मैजिक। और यहाँ तक आलिया ने संजय लीला भंसाली और सलमान के साथ काम करने के लिए आमिर खान के साथ के एक प्रोजेक्ट को भी ठुकरा दिया था, और अब रिपोर्ट्स के अनुसार आलिया अब इनसे नाराज भी है। अब देखना ये होगा कि आलिया का इस पर क्या रिएक्शन होगा। आपका क्या कहना है इस बारे में? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। ऑल्सो डू लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब टू बॉलीवुड नाउ ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब।